ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स। देखो, कंप्यूटर जो होता है या लैपटॉप जो होता है या फिर कोई भी डिवाइस हम लोग देखते हैं आजकल के ज़माने में, तो उसमें क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो होते हैं वो दो ही चीज़ समझते हैं, या तो उनको सिग्नल मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, सिग्नल का मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रहा होगा तो वो ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो ऑफ होगा। ठीक है, तो जब भी एक हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे या फिर डिजिटल डिवाइस की हम लोग बात करेंगे, तो वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा जो 0 और 1 पे काम करेगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसा डिजिटल सिस्टम होता है जो बहुत सारे कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि हम लोग मैथमेटिकल हम लोग उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ प्रिंटआउट्स कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे वहाँ से टास्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अवेलेबल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में। ठीक है, जो पहला डिजिटल कंप्यूटर जब बना था, पहला डिजिटल कंप्यूटर जब बना था वो था 1940s में। ठीक है, जो सिंपली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के काम आता था, मतलब जो ऐसे छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कुछ नंबर्स दबा के कुछ कैलकुलेशन ही कर पाते थे। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, एनालॉग कंप्यूटर का काम होता था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉइल या फिर वायर टाइप का कुछ ऐसे रहता था जिससे वो कंप्यूटेशनल मतलब या फिर कुछ मैथमेटिकल रिलेटेड उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड इस टाइप से करता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ी तो डिजिटल कंप्यूटर को लाया गया, क्योंकि हम लोग एनालॉग जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग को करंट ज़्यादा लगता है, बहुत पार्ट्स उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स भी छोटे करने थे और इलेक्ट्रिसिटी भी जो कंज्यूम कर रहा था उसको कम करना था, तब वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। तब डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या डाला गया, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देख रहा है, द डिजिटल कंप्यूटर यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम विच हैज टू डिजिट्स 0 एंड 1। अब जब भी डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया गया। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें 2 डिजिट होते हैं मात्र, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 में ही ये काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट और बिट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। 1 बिट का होगा मतलब सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे होता है 0 या 1। ठीक है, सिंगल बिट का होगा ये। तो 0 मतलब होता है ऑफ, 1 मतलब होता है ऑन। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो दो ही चीज समझता है, 0 या फिर 1। ठीक है, 0 मतलब होगा ऑफ, मतलब उसको पावर नहीं मिल रहा है, 1 मतलब होगा कि उसको पावर मिल रहा है और वो ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। वो कोई भी डिजिटल कंप्यूटर हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग मोबाइल डिवाइस देखते हैं, ठीक है, टैबलेट देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, वो भी आजकल ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, या फिर हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं, डोर बेल तक आजकल सब डिजिटल हो गया है। ठीक है, तो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और सभी के सर सभी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे काम नहीं करता। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करने से जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं सारे के सारे डिजिटल हो गए। ठीक है, यही सारे डिवाइसेस को यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है टू फंक्शनल एंटिटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला होगा हार्डवेयर, सेकंड होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को रन करता है। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल है, हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल हम लोग हाथ में पकड़ जाते हैं। ठीक है, वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर एक मदरबोर्ड होगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लगे होंगे। ठीक
ठीक है, वो सारी चीजें हार्डवेयर है। कंप्यूटर देखते हैं हम लोग, सीपीयू देखते हैं, ठीक है। तो सीपीयू में क्या क्या रहता है, उसे मदरबोर्ड लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, रैम लगा होता है, ठीक है, बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें मॉनिटर होता है, उसमें कीबोर्ड होता है, उसमें माउस होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे लगा के रखते हैं। तो होता क्या है कि हम वो हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, ईजिली इधर उधर लेके जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इतने सारे डिजिटल कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए, इतने सारे सामान उसमें लगे हुए हैं, तो वो सारे हार्डवेयर चले गए कैसे, अपने आप तो नहीं चलेंगे। तो उसको चलाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो उस हार्डवेयर को चलाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग वेबएक्स यूज़ कर रहे हैं। वेबएक्स सॉफ्टवेयर क्या है मीटिंग करने के लिए, तो मीटिंग करने के लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ रहा है वेबएक्स नाम के, ठीक है। हम लोग उसको मोबाइल में भी डाल सकते हैं, लैपटॉप में भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये नेटवर्क का यूज़ कर रहा है, इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, मतलब कोई नेटवर्क डिवाइस का यूज़ कर रहा होगा, मतलब वो एक हार्डवेयर है, ठीक है। कैमरा का यूज़ कर रहा है, कैमरा भी एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये सब हार्डवेयर्स को चलाने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो दो चीज़ों में डिवाइड होती है, पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं हार्डवेयर, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो, द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस दैट कंप्राइज द फिजिकल एंटिटी ऑफ द डिवाइस, ठीक है। हार्डवेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। जैसे चिप हो गया, या फिर ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से एक सर्किट बनाया जाता है, ठीक है। वही सर्किट जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स होंगे, मतलब ऐसे कुछ घूमने वाले पार्ट होंगे, मोटर उसमें लगा होगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ अलग अलग टाइप के डिवाइस उसमें लगी होती है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइस को हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, हम लोग उसको कहीं ले जा सकते हैं उठा के, ठीक है। जिसको भी हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट्स टू परफॉर्म वेरियस डेटा प्रोसेसिंग टास्क। सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है या ऐसा डेटा होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को मैनिपुलेट करता है। मीन्स क्या हो गया, जैसे हम लोग को कोई भी काम करना है, ठीक है, हम लोग को एक गाना प्ले करना है, सॉन्ग प्ले करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास सॉन्ग्स की फाइल रखी हुई है, हम लोग उसको क्या करेंगे, किसी मीडिया प्लेयर में या MP3 प्लेयर में उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो उसका भी एक प्रोसेस होगा कि हमारे पास पहले तो फाइल होनी चाहिए, हम लोग उसको एक सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करके उसको रन करेगा, ठीक है, मतलब वो गाना को प्ले करके देगा हम लोग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन होती है, तो यही इंस्ट्रक्शन से बना होता है सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर हम लोग कोडिंग करते हैं बहुत सारी, और उस कोडिंग से वो सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेसिंग टास्क वो करता है, बहुत सारे उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी कोडिंग की जाती है उसमें, जिसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि MS Word मैंने खोल के रखा है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो तुम लोग को टेक्स्ट या फिर वर्ड प्रोसेसिंग करके दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, आजकल तो मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, हम लोग खुद का भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग खुद का कर सकते हैं आजकल कंप्यूटर, ठीक है। ये एक डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती है हर डिजिटल कंप्यूटर में, वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है रैम, सबसे पहला होता है यहाँ पे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होगा,
कि एक ऐसी मेमोरी होती है जो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब जब तक उसको पावर मिल रहा है तब तक वो कोई डेटा को स्टोर करके रखेगा, जैसे ही पावर ऑफ उसका डेटा सारे के सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है जो सिर्फ और सिर्फ जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर में, और उसको कुछ मेमोरी की जरूरत पड़ती है, कुछ फाइल्स उसको रखना है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स वो चलाते रहता है बैकग्राउंड पे, ठीक है, इस टाइप की कोई भी फाइल्स को रन करना है तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल फोन में लैपटॉप में बोलते हैं ना, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, ठीक है, तो रैम का क्या मतलब होता है कि हम लोग की प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हम लोग को रैम मिलेगी उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होती जाएगी, उतनी ज़्यादा उसको जगह मिलेगी फाइल्स रखने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जैसे 4 GB का रैम है हमारे मोबाइल फ़ोन में, तो हम लोग का मोबाइल में गेमिंग खेलने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर कोई बड़े बड़े ऐप हम लोग चला रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, या फिर हम लोग कोई इमेज एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि वो सारी फाइल्स जो है पहले से रैम में रखे रहता है। ठीक है, तो इसीलिए रैम जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो ये रैम होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा कि सबसे मेन पार्ट यही होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे जान के पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब होता है सारा प्रोसेस, वो हार्डवेयर को भी रन करता है, वो सॉफ्टवेयर को भी रन करता है। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू रन हो रहे हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन को सीपीयू रन करता है, और कुछ उसमें कैलकुलेशन करेगा, कुछ मैनिपुलेशन करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ब्रेन को सारी चीज़ें पता रहती है, कैसे करना है, कब करना है, कितना रैम यूज़ करना है, कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ करना है, कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है, और कब कब टाइम में किस किस को यूज़ करना है, सारी चीज़ें सीपीयू को पता होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में क्या होगा कि बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक, ठीक है, जॉयस्टिक हम लोग देखते हैं, और भी बहुत सारे डिवाइसेस आजकल कंप्यूटर लैपटॉप में लगते हैं, तो ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, डेटा इनपुट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो कीबोर्ड माउस से क्या कर सकते हैं, हम लोग डेटा को इनपुट कर सकते हैं। जो भी ऐसा डिवाइस होगा जो डेटा को इनपुट इस कंप्यूटर में या लैपटॉप में करेगा उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस मतलब क्या होगा कि जो भी हम लोग प्रोसेसिंग करके कुछ ना कुछ तो जनरेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक मूवी बनाया, ठीक है, मूवी बनाया, रिलीज़ किया, उसको देखेंगे कहीं ना कहीं, तो मैं अपने कंप्यूटर में देख रहा हूँ उसको। ठीक है, कंप्यूटर में जब भी मैं उसको देखूँगा तो कहाँ पे देखूँगा, मॉनिटर पे देखूँगा। ठीक है, तो मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। मुझे गाना सुनना है, मैं किस में सुनूँगा, स्पीकर में सुनूंगा या फिर हेडफोन्स में सुनूंगा, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, मुझे कुछ चीज़ों का प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, ठीक है, दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर करेगा, इसको IOP बोलते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक है, तो जो भी यहाँ से इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, ठीक है, ये इनपुट लेने से
इनपुट लेने से लेके आउटपुट देने तक, ठीक है, ये सारा चीज जो होगा वो यहाँ पे प्रोसेस होता है इस तीन चीजों में, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखे, अगर फ्लो इसका देखे, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस से कुछ ना कुछ हम लोग इनपुट करेंगे, वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कुछ प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करते समय उसको कुछ ना कुछ रैम की जरूरत पड़ेगी, रैम की जरूरत पड़ेगी, वो फाइल्स को रखेगा, प्रोसेस करके वापस से सीपीयू में लेके आएगा और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की हेल्प से वो आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर जो होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हम लोग टाइप के डिवाइसेस देख सकते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है। इवन जो हम लोग मोबाइल में सिम कार्ड जो लगाते हैं, छोटा सा दिखता है, वो भी एक कंप्यूटर होता है अपने आप में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा इन नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, एक लॉजिकल यूनिट होता है या फिर कुछ उसमें कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम उसमें फीड किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम को जब भी फीड किया जाता है तो वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, और बहुत सारे डेटा को मैनिपुलेट करता है, मतलब जो इनपुट डिवाइसेस से डेटा आ रहे हैं उसको मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा, कुछ प्रोसेस करेगा और आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट करेगा और सारी चीजें स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए उसके पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा मेमोरी होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा मेमोरी होगा, वहां पे वो डेटा को स्टोर करते जाता है और वहां से वो निकालते जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल सर्किट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर अगर देखेंगे हम लोग तो बहुत सारे छोटे 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 रजिस्टर्स होते हैं वहां पे, जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं और उसमें ही प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। किसी दिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि एक प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे द मेमोरी यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कंटेन स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जो हम लोग यहाँ पर रैम देखें, जो रैम है, इस रैम के अंदर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे या डेटा स्टोर होंगे, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी यूनिट होगा जो एक रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है। जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर रन करता है, ठीक है, तो उसके बैकग्राउंड पे बहुत सारी डेटा या फिर फाइल्स चलते रहती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं, लूडो खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे जो गेम्स होते हैं उसमें बहुत सारी प्रोसेस चलते रहती है, ठीक है। हम लोग उसमें गोलीबारी भी कर रहे हैं, लूडो में गोटियां भी चला रहे हैं, सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सारा चीज़ वो स्टोर कर रहे हैं कहाँ, रैम पे। जब तक वो गेम चलते रहेगा तब तक वो डेटा स्टोर करते रहेगा, ठीक है। गेम ख़त्म, गेम बंद, वो पूरा का पूरा अपना मेमोरी से फाइल्स को खाली कर देगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए ही होती है, मतलब जब तक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तब तक ही यूज करते रहेगा, ठीक है। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर जनरेटिंग इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेइंग द फाइनल रिजल्ट टू द यूजर, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है कि जो भी यूजर से इनपुट लेगा और जो भी यूजर को इनपुट देगा, मतलब आउटपुट देगा, ठीक है, वो सारी चीजें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इंक्लूड द कीबोर्ड, माउस, टर्मिनल्स, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बहुत सारी चीज आती है,
कीबोर्ड आती है, माउस आती है, टर्मिनल्स आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स आते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे माइक, हेडफोन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जाने यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कुछ बेसिक्स डिजिटल कंप्यूटर कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करें तो वो एक क्रिस्टल या फिर सिलिकॉन का एक चिप होता है। मैं इसको दिखाता हूँ आप लोग को तो क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का एक आईसी दिखता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का एक चिप देखने के लिए मिलता है हम लोग को, दिख रहा है सबको? ठीक है, इस टाइप का एक ब्लैक कलर का यहाँ पे ये जो मटेरियल जो होता है ब्लैक कलर का सिलिकॉन मटेरियल होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा हीट सह लेता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हम लोग सबसे ज्यादा सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको आग में भी फेंक दो तो भी ये जलेगा नहीं इतना आसानी से, ठीक है। और इसके अंदर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं इसके अंदर, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये जो छोटा सा आईसी हम लोग को दिखता है ये हर कंपोनेंट में लगे रहता है, ठीक है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक आईसी जरूर लगा होगा और वहाँ पे बहुत सारे आईसी लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आईसी जो होते हैं उसमें बहुत सारे यहाँ पे पिंस होते हैं, ठीक है, एक तरफ का इनपुट के लिए होता है, दूसरे तरफ का आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फोर लेयर पिंस के भी हम लोग यहाँ पे आईसी हम लोग देख सकते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइप की आईसी बने होती है, ठीक है। हम लोग को देखने में बहुत छोटा से दिखता है, बिस्किट टाइप का दिखेगा छोटा सा, ठीक है, या फिर एकदम छोटे से कीड़े टाइप का दिखेगा, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग की जाती है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स इसमें लगे जाते हैं, बहुत छोटे, जो हम लोग को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आईसी है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग देखें यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो इस इमेज पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने टाइप के आईसी लगे हुए हैं। ये एक आईसी लगा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा आईसी लगा हुआ है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ऐसे छोटे 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 आईसी लगे होते हैं। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा आईसी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आईसी को यूज करके डिजिटल कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो हमेशा लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। लॉजिक मीन्स क्या होगा, जीरो और वन, जीरो और वन के कॉम्बिनेशन पे जितने भी उसके पास पिन्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल पिन, एक्सटर्नल पिन, पिन जो होते हैं जो हम लोग देखें, तो वो सारे पिन में जो ये दिख रहा है ना पिन, ये सारे पिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करती है, ठीक है। जो जिस टाइप का भी इंस्ट्रक्शन होगा वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से करते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, मान के चलो ये पिन में एक बार पावर आ रहा है, दूसरे पिन में नहीं आ रहा है, फिर दो छोड़ के और तीसरे में आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से भी यहाँ पे परफॉर्म करता है। मतलब अलग अलग टाइप पे अलग अलग जगह पे वो पावर भेज के वहाँ से वो कैलकुलेशन करते जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है, हर इंस्ट्रक्शन अलग अलग पिन से फ्लो होती है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे इतने सारे पिन्स दिए रहते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो एक प्रकार का चिप होता है और उसके अंदर बहुत सारे पिन्स होते हैं और वो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करके टास्क परफॉर्म की जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कैटेगरीज होती है इंटीग्रेटेड सर्किट की, वो यहाँ पे चार पांच टाइप की इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग को देखने मिलती है, ठीक है। सबसे पहला होता है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस, ठीक है। स्मॉल स्केल मतलब सबसे छोटा एक, जिसमें सिंगल टास्क या फिर एक दो टास्क ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर लॉजिक जो होगा वो 10 के नीचे होगा, मतलब जो लॉजिक्स होंगे, ठीक है। लॉजिक्स मीन्स क्या होगा, जो 0-1 के कॉम्बिनेशन में जो भी लॉजिक बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ दिन में देखेंगे, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन पे कैसे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसके अंदर ICs होती हैं, और ये IC जो होती है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं अभी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट कंटेन्स सेवरल इंडिपेंडेंट गेट्स इन ए सिंगल पैकेज, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ गेट्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द पिंस इन द पैकेज, द नंबर ऑफ गेट्स इज यूजुअली लेस देन 10, ठीक है। SSI या फिर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस जो हो, एक बहुत छोटा सा ऐसी होगा, ठीक है, जिसमें मान के चलो 10 पिन है बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 पिन, या फिर उससे कम भी हो सकता है, 1-2 पिन भी हो सकता है, 2-3 पिन भी हो सकता है, 4 पिन भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो गेट्स होंगे, गेट्स मतलब क्या होंगे, एक लॉजिक होता है, ठीक है। लॉजिक मतलब कब उसको ऑन करना है, कब ऑफ करना है, उसका एक लॉजिक बना रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो उसमें भी लॉजिक रहता है, हर चीज़ में लॉजिक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0-1 के कॉम्बिनेशन में लॉजिक से ही ये काम करता है। तो लॉजिक जो होगा वो गेट्स, एक छोटी सी डिवाइस होती है, उससे बनाया जाता है, और वो जनरली 10 से कम होता है SSI में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस, ठीक है। इसमें जो होते हैं 10-200 गेट्स, ठीक है, मतलब जो एक IC होगा उसमें 10 से 200 तक गेट लगाया जाता है, ठीक है। गेट्स मतलब बहुत छोटा सा डिवाइस होगा जो लॉजिक को समझता और प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर 200 से लेके कुछ हजार तक, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 इतने सारे गेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है, वो LSI में आता है, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस में आता है। वो भी एक प्रकार का IC ही होता है जिसके अंदर बहुत सारे पिंस होते हैं, मतलब हम लोग काउंट करते हैं तो अलग अलग जनरेशन के लिए अलग अलग टाइप के पिंस आते हैं, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें प्रोसेसर में यूज़ होते हैं, माइक्रोचिप बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद VLSI आता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे हजारों गेट्स उसमें लगे होते हैं, ठीक है, एक सिंगल पैकेज के अंदर। जैसे माइक्रो कंप्यूटर चिप, माइक्रो कंप्यूटर चिप मतलब क्या होगा, जैसे एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है। जैसे हम लोग एक कैमरा देखते हैं, कैमरा कौन सा, कोई भी DSLR या फिर जैसे GoPro का एक कैमरा आता है, एक्शन कैमरा, ठीक है, छोटा सा। तो वो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसके अंदर भी प्रोसेसिंग पावर होती है, ठीक है। अगर हम लोग को कोई भी ऐसा छोटा डिवाइस बनाना है और उसमें हम लोग को बहुत छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, छोटे छोटे टास्क या फिर जैसे कैमरा से रिलेटेड या फिर वीडियो परफॉर्म, मतलब वीडियो उसमें बना रहे हैं, वीडियो प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी पावर चाहिए, ठीक है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे लॉजिक होना चाहिए, तो वहाँ पे यहाँ पे VLSI का यूज किया जाता है, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस, जनरली ये हमेशा माइक्रो चिप में ही यूज होता है, माइक्रो कंप्यूटर चिप होता है उसी में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस, ULSI, ठीक है। इसके अंदर भी वैसा ही यूज होता है और ये भी माइक्रो कंप्यूटर चिप के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी मतलब मिलियंस ऑफ गेट्स इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है, जो बहुत फास्टली एक लॉजिक को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप के यहाँ पे इंटीग्रेशन डिवाइस होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। डिजिटल लॉजिक फैमिली,
ठीक है, जनरली ये सब चीजें एग्जाम में भी नहीं आने वाली, इतना ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, जो आईसी वगैरह होती है, जो मैं गेट्स की बात कर रहा था, यहाँ पे तीन टाइप के गेट होते हैं, ठीक है, नैंड नॉर नॉट, तीन टाइप के यहाँ पे सबसे पावरफुल गेट्स लगे होते हैं आईसी में। ठीक है, कोई भी सिंपल सा गेट वहाँ यूज नहीं किया जाता है, हमेशा यहाँ पे नैंड, ठीक है, नैंड नॉर और गेट का ही यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहले की बात करें, जब डिजिटल नहीं बना हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग रजिस्टर, ठीक है, कोई एक स्विचिंग डिवाइस, उस टाइप का हम लोग देखते थे यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब बने, ठीक है, तो उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये सारी चीजों का यूज कम हो गया, ये सारी चीजें जो है आईसी के अंदर लगने लग गए। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा सर्किट, जब हम लोग पहले के जमाने में टीवी देखते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टीवी होते थे, आजकल टीवी जो हो गए हैं बहुत पतले हो गए हैं, उसके अंदर इसी टाइप का डिजिटल डिवाइस यूज किया जाता है। पहले के जो टीवी होते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनालॉग चैनल देख सकते थे, ठीक है, या फिर हम लोग आजकल क्या करते हैं, डीटीएच कनेक्ट करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उस टीवी में उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि सारी फंक्शनैलिटी उसमें दे सके। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया है कि सारी चीजें इनबिल्ट आ जाती है पहले से, और उसका जो विड्थ है, मतलब जो मोटाई भी है, वो भी पतली हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले बड़े बड़े डिवाइस यूज करते थे, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है, वो सारी चीजें एक आईसी ने रिप्लेस कर दिया, और आईसी के अंदर सारे डिजिटल कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि जीरो और वन पे काम करते हैं। ठीक है, आजकल हम लोग देखते हैं एंड्रॉयड टीवी आ गया है, ठीक है, जिसमें हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें यूट्यूब चला सकते हैं, सारी चीजें हम लोग चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आईसी आने के बाद सारी चीजें सस्ती हो गई और सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने लग गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें डायोड और ट्रांजिस्टर लॉजिक में पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर कंपोनेंट्स में, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, देखो मेजर फाइव कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो एक ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझते हैं, यहाँ प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, सेकेंड आता है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू होता है और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होती है जो एक मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। हम लोग के कंप्यूटर में बहुत बड़ा एक सर्किट होता है जिसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में ही सारी चीजों को फिट किया जाता है। ठीक है, उसमें रैम भी लगता है, उसमें हार्ड डिस्क भी लगता है, उसमें सीपीयू भी लगता है, उसमें इनपुट डिवाइसेस भी लगती है, आउटपुट डिवाइसेस भी लगती है। तो सारी चीजें को मैनेज कौन करता है, मदरबोर्ड करता है, और मेन बेसिक इतने ही पार्ट बनते हैं और इतने ही पार्ट लगते हैं किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है, तो अगर हम लोग वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस की बात करें कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है इनपुटिंग। ठीक है, जब भी हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट देंगे, ठीक है, मतलब वहां पे हम लोग एक रॉ डेटा, ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे ही अनुमान लगाने वाला एक डेटा वहां पे देते हैं। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, जो प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टोरिंग। स्टोरिंग करना मतलब कोई भी डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो स्टोर करने की अगर हम लोग बात करें कि दो टाइप से यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे स्टोर किया जाता है, सबसे पहले चीज जब भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ठीक है, या फिर सीपीयू जो है अपना प्रोसेस करता है, ठीक है, तो उस समय उसको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो जब मेमोरी की जरूरत पड़ेगी तो वो उस टाइम पे प्राइमरी मेमोरी का यूज करेगा, जो रैम होता है, ये वाला रैम। ठीक है, फिर उसके बाद सारे प्रोसेस कर लेगा, सब चीज हो गया उसका काम। ठीक है, अब फाइनल डेटा स्टोर करेगा,
जब भी वो फाइनल डेटा स्टोर करेगा, मतलब उसको एक परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, परमानेंट मेमोरी की जरूरत उसको पड़ेगी, तो उस केस में सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेगा। सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या होगा? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का यूज होगा, ठीक है, इस हार्ड डिस्क का यूज करेगा, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क जो होता है परमानेंट मेमोरी होता है, जो हम लोग देखते हैं पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD, ठीक है, इस टाइप के जो डिवाइसेस होती हैं वो सारी एक हम लोग परमानेंट स्टोरेज देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। जो पावर ऑफ भी हो जाए तो भी ये डेटा को स्टोर करके रखे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा कि जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, जो भी हम लोग डेटा इनपुट कर रहे हैं, वो सारी चीज को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर या फिर CPU, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है, जो उस डेटा को लेगा, उससे इंफॉर्मेशन बनाएगा या फिर कोई आउटपुट देगा हम लोग को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग मतलब क्या होता है कि जितने भी डेटा प्रोसेस वगैरह हुए हैं, अब उससे कुछ ना कुछ तो हम लोग को मिलेगा, या तो मॉनिटर पे कुछ दिखेगा, या तो प्रिंटर से कुछ प्रिंट आउट निकलेगा, या स्पीकर से कुछ हम लोग को सुनाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी आउटपुट हम लोग को मिलेगा वो आउटपुटिंग प्रोसेस में आता है अब, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स क्या होगा कि जब भी हम लोग एक डेटा प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो उसमें कौन कौन से बेसिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से उसमें बेसिक ऑपरेशन होने चाहिए, कब वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है, सारे चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? CPU कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो CPU का प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग दोनों काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 5 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इनपुटिंग, जो इनपुट लेगा, स्टोरिंग मतलब स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग मतलब जो डेटा हम लोग इनपुट किए हैं उसको प्रोसेस करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाएगा। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो आउटपुटिंग होता है, जो प्रोसेस करने के बाद हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। कंट्रोलिंग मीन्स सारी चीज़ों को कंट्रोल जो करेगा उसको हम लोग कंट्रोलिंग ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस। देखो इनपुट डिवाइसेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस इनेबल्स द यूजर टू सेंड डेटा इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग यूजर डेटा, जो यूजर होता है मतलब जो यूज कर रहा है उस कंप्यूटर को, उस डिवाइस को, वो अपने डेटा को सेंड कर पाएगा, वो अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाएगा, या फिर कुछ ऐसे कंट्रोल सिग्नल्स होंगे जो वो कंप्यूटर को दे पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है जिससे हम लोग इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ऑफ ए कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट्स एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, ठीक है। हम लोग इनपुट तो दे रहे हैं, वो किसको देंगे? हम लोग CPU को इनपुट देंगे, प्रोसेसर को इनपुट देंगे। वो क्या करेगा? उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और उससे कुछ ना कुछ आउटपुट हम लोग को निकाल के देगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड सभी लोग जानते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। QWERTY कीबोर्ड होता है सबसे पहला, ठीक है। इस कीबोर्ड में 102 कीज रहती है, ठीक है, 102 कीज होती है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं QWERTY QU, मतलब ये पूरा अल्फाबेट वाइज नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें 102 कीज होती है। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो उसमें वहाँ एटलीस्ट 10 कीज और होती हैं, ठीक है। तो ये USB भी आती है और ब्लूटूथ में भी आती है। आजकल जो मार्केट में मिलता है वो हम लोग ब्लूटूथ वाला भी देख सकते हैं, वायरलेस और USB में भी आता है, ठीक है। पहले के ज़माने में वो कुछ एक पिन वाला आता था, उसको S2 कुछ पिन ऐसा बोलते थे, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें आजकल बंद हो चुकी, सिर्फ USB और ब्लूटूथ में ही आजकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है SRT कीबोर्ड, ठीक है। ये कीबोर्ड जो है एक फ्रेंच कीबोर्ड होता है, ठीक है, जनरली फ्रेंच में यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो QWERTY नहीं होता है, AZERTY, SRT इसको बोलते हैं, ठीक है।
जनरली एक फ्रेंच कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड मतलब पूरे दुनिया में तीन टाइप के कीबोर्ड यूज होते हैं, ठीक है। एक क्वेटी जो यूनिवर्सल चलता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, दूसरा होता है एसआरटी जो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है इसको, ठीक है, मतलब यूरोप वगैरह में, फ्रांस में, वहीं पे यूज किया जाता है क्योंकि वो उसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये भी दिखता सेम है, बस इसमें जो ऑर्डर जो होता है इसका, मतलब अल्फाबेट्स के जो ऑर्डर होते हैं वो चेंज होते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, ठीक है। थर्ड टाइप होता है डेवरेक, ठीक है। डेवरेक कीबोर्ड क्या होता है, इसमें कुछ कुछ इधर उधर होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरो वगैरह के निशान जो होते हैं वो यहाँ होते थे इस पोजिशन पे, लेकिन वो चेंज होके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ये डिलीट बटन, जहाँ पे बैक स्पेस होना चाहिए वहाँ डिलीट बटन होता है, ठीक है, एंटर और शिफ्ट वैसे ही है, और बहुत सारे यहाँ पे कीज में चेंज है, ठीक है। तो ये जनरली जो फिंगर से हम लोग की प्रेस करते हैं उसका स्पीड को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी टाइपिंग करना है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इस तरीके का कीबोर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ हैकिंग करने वाले या फिर जो आर्मी में यूज करते हैं, तो वैसे जगह पे इस टाइप का कीबोर्ड यूज किया जाता है। जनरली इस टाइप का कीबोर्ड नॉर्मल पीपल्स यूज नहीं करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल काम करना है वहाँ पे हम लोग क्वेटी कीपैड का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के यहाँ पे कीबोर्ड हम लोग को मिलते हैं, और कीबोर्ड जो होते हैं उससे हम लोग कुछ ना कुछ टेक्स्ट में इनपुट देते हैं, ठीक है, कुछ टाइप करके हम लोग इनपुट देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तीन कीबोर्ड देखे हैं, सबसे पहला क्वेटी कीबोर्ड, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है, इसमें 102 बटन होते हैं, और एसआरटी कीबोर्ड में भी 102 की होते हैं, लेकिन वो फ्रांस में यूज किया जाता है या फिर यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेवरक कीबोर्ड, ठीक है, ये जनरली जहाँ पे फास्ट टाइपिंग करना पड़ता है, फिंगर मूवमेंट बहुत फास्ट करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग किया जाता है ये यूज, ठीक है। सेकेंड इनपुट डिवाइस है माउस, ठीक है। माउस जो होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, कर्सर या फिर पॉइंटिंग क्रॉस द स्क्रीन, मतलब पूरे स्क्रीन में ये घूमता है, ये यहाँ पे देख रहे हो कि कर्सर बना हुआ है, ठीक है, हर जगह जा जा के ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, हर जगह अलग अलग रोल ये देता है, जनरली ये क्लिक करता है, इसमें तीन टाइप के बटन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो एक नॉर्मल माउस है, ठीक है, ये होता है लेफ्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक, और ये होता है स्क्रॉल बटन, ठीक है, स्क्रॉल बटन इसको बोलते हैं, जिससे हम लोग पेज ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे माउस को भी अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन टाइप्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला आता है ट्रैक बॉल माउस, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉल लगा होता है, इस बॉल से ये जो दिख रहा है इस बॉल को मूव किया जाता है, ठीक है, एक बहुत भारी सा मैग्नेटिक बॉल होता है, ठीक है, इसको हम लोग उल्टा भी कर देंगे तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है, एक मैग्नेटिक बॉल होता है जो उसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो रोटेशन को इस डिवाइस मतलब जो ये बॉल घूमेगा उसको डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से इस कर्सर को मूव करेगा, जो ये कर्सर है उसको मूव करेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग को जब बहुत बड़ा स्क्रीन पे अगर काम करना होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग को कोई जियो लोकेशन मतलब जो मैप्स वगैरह होते हैं गूगल मैप्स उस टाइप के चीज़ों में काम करना होता है, या फिर हम लोग 3D जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आजकल VR टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ पे 3D या फिर कोई जियो लोकेशन इस टाइप का सर्विस को यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप का ट्रैक बॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज अ स्टेशनरी इनपुट डिवाइस दैट हैज बॉल मैकेनिज्म टू मूव द पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन, द बॉल इज हाफ इंसर्टेड इन द डिवाइस एंड कैन बी इजिली रोल्ड विद ए फिंगर, ठीक है, हम लोग इजिली इसको मूव कर सकते हैं फिंगर से, ठीक है। द डिवाइस हैज सेंसर्स टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ बॉल, इट रिमेन्स स्टेशनरी, यू डोंट नीड टू मूव
इट ऑन द ऑपरेटिंग सरफेस। हम लोग को जैसे माउस मूव करना पड़ता है वैसे इसको मूव नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ बॉल को मूव करना होता है। ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप में भी लगा होता है कीबोर्ड में, ठीक है, बहुत सारे हम लोग लैपटॉप देखते हैं उसमें भी कीबोर्ड के बीच में एक छोटा सा ट्रैक बॉल दिया होता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग उसको मूव करते हैं वो मूव करना चालू कर देता है कर्सर को। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक बॉल माउस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, देन आता है मैकेनिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस के अंदर भी एक बॉल लगा होता था अंदर में, यहाँ पे सर्कल के अंदर देख सकते हो कि एक बॉल नजर आएगा। ठीक है, वो सरफेस के ऊपर चलाया जाता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था, इसके अंदर भी सेंसर होता है और वो उस बॉल के मूवमेंट को ट्रैक करता है, जहां जहां जितना भी बॉल मूव होगा कर्सर उतना उतना मूव होते जाएगा। ठीक है, तो जनरली अब ये मैकेनिकल माउस यूज नहीं होता, पहले मैकेनिकल कीबोर्ड भी आता था, मैकेनिकल माउस भी आता था। ये जनरली बहुत महंगे होते थे और ये बहुत लंबा चलने वाले एक डिवाइस होते हैं, मतलब बहुत जल्दी खराब नहीं होता ये। ठीक है, जनरली ये जो होता है एकदम हाई परफॉर्मेंस होता है, मतलब वो एग्जैक्ट जितना भी स्क्रीन है, ठीक है, एक बॉल का मूवमेंट जो होता है, मतलब जैसे हम लोग एक बार मूव किए, ठीक है, तो स्क्रीन से यहाँ तक ही जाएगा वो, मतलब वो पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए बनाया जाता था। ठीक है, तो ये सब यूज़ करने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जनरली हम लोग को बॉल को हमेशा क्लीन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉबैक उसी का वही है, ड्रॉबैक इज दैट दे टेंड टू गेट डस्ट इनटू द मैकेनिक्स एंड थ्रू रिक्वायर रेगुलर क्लीनिंग। ठीक है, इसीलिए इसका यूज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे डस्ट चले जाता था और इसका वर्क रुक जाता था। ठीक है, देन आया उसके बाद ऑप्टिकल माउस, जो आज के ज़माने में यूज किया जाता है। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल माउस, इसके अंदर एक लेज़र होती है। ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है और जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करता है। ठीक है, तो इस टाइप का माउस अगर कंप्यूटर में देखोगे, आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, तो नीचे अगर उसको पलट के देखोगे तो एक रेड कलर का उसमें लाइट जलती रहती है, वो लाइट एक्चुअल में लेज़र होती है। ठीक है, एन ऑप्टिकल माउस यूजेस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट। ठीक है, वो लेज़र से ही मूवमेंट को ट्रैक करता है। ठीक है, जो मैकेनिकल माउस आते थे उसमें बॉल्स का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लाइट का यूज़ किया जाता है, लेज़र लाइट का। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हम लोग को डस्ट वगैरह जाने की तकलीफ नहीं होगी उसमें। ठीक है, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट को यूज़ करके उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम या फिर ऑप्टिकल माउस। ठीक है, जहाँ भी लाइट का यूज़ करेंगे उसको ऑप्टिकल बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा ऑप्टिकल माउस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉर्डलेस और वायरलेस माउस। ठीक है, ये भी जैसा ऑप्टिकल माउस रहता है सेम वही रहता है, बस इसमें एक और टेक्नोलॉजी रहती है कि ये ब्लूटूथ से चलता है। ठीक है, मतलब इसमें केबल्स वगैरह नहीं रहता, कोई वायर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक डोंगल होता है इस टाइप का छोटा सा, इसको USB पोर्ट में लगा दिया जाता है कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में और ये वर्क करना चालू कर देता है। ठीक है, ब्लूटूथ या फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये माउस जो है वो एक सिग्नल जनरेट करता है, वो ब्लूटूथ सिग्नल हो सकता है या फिर वाईफाई सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो जनरली आजकल ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है और वाईफाई का यूज़ बहुत कम करते हैं माउस में। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का डोंगल होता है, ये कंप्यूटर में लगाया जाता है और उसी से सिग्नल रिसीव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्कैनर। ठीक है, स्कैनर जो होता है वो भी दो तीन टाइप का होता है। ठीक है, तो स्कैनर यूजेस द पिक्चर्स एंड पेजेस ऑफ द टेक्स्ट एज एन इनपुट। ठीक है, स्कैनर क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पिक्चर्स, कोई भी पेजेस, कोई भी टेक्स्ट को एज ए इनपुट लेता है। ठीक है, हम लोग स्कैनर से एक कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रिंटेड वाला पेज या फिर बुक को स्कैन किए। ठीक है, तो वो इनपुट के तौर पे गया कहाँ, कंप्यूटर के पास। ठीक है, तो इससे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को स्कैन कर सकते हैं और अपने मन चाहे फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, कुछ चीज प्रिंटेड होती थी, उसको हम लोग को कंप्यूटर में डालने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, ठीक है। तो स्कैनर आने से क्या हो गया कि सारी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ऑनलाइन स्कैन, मतलब कंप्यूटर पे स्कैन करके फाइल के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। इट स्कैन्स द पिक्चर और अ डॉक्यूमेंट, द स्कैन पिक्चर और डॉक्यूमेंट देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट और फाइल, ठीक है। जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट होगा वो कन्वर्टेड, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में हो जाएगा, फाइल में हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा, डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज एन आउटपुट, ठीक है। आजकल बहुत सारे स्कैनर जो हो गए, स्मार्ट हो गए हैं बहुत, ठीक है। वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक्स का भी यूज करने लग गए हैं, ठीक है। मतलब जो भी अगर डॉक्यूमेंट यूज किया, हम लोग चाहते हैं कि उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग को टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाए, नोटपैड पे मिल जाए या फिर एमएस वर्ड में मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग आजकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्कैनर क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं घर पे, प्रिंटर पे लगा होता है या फिर अलग से हम लोग स्कैनर यूज करते हैं, ठीक। तो ये जनरली फ्लैट बेड स्कैनर होता है, ठीक है। इसमें एक ग्लास शीट होती है, उसके नीचे एक स्कैनर रोल करते रहता है और एक ट्रे होता है, उसमें उसको रख देते हैं डॉक्यूमेंट को और ऊपर से बंद कर देते हैं ढक्कन को। तो इससे क्या होता है, नीचे से एक लाइट जाती है और वो पूरा का पूरा स्कैन कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्लैट बेड स्कैनर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ट्रांसपेरेंट साइट होती है, ठीक है, उसी से वो स्कैन करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज यही होता है, जैसे डिजिटल फोटो कॉपी होता है आजकल, कलर्ड फोटो कॉपी होता है, ठीक है। तो ये सारे चीजों में भी फ्लैट बेड स्कैनर का यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ, जहाँ पे भी हम लोग फोटो कॉपी मशीन देखेंगे या प्रिंटर में स्कैनर देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे फ्लैट बेड स्कैनर का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, ये वाला। अब ये हम लोग बहुत सारी जगह देखते हैं, जैसे कि हम लोग आजकल जब भी हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, तो टेम्परेचर स्कैन करता है, ठीक है, हम लोग का टेम्परेचर बताता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो भी एक स्कैनिंग डिवाइस है, वो लेजर टेक्नोलॉजी से हम लोग का टेम्परेचर को स्कैन करता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहां से हर प्रोडक्ट में बारकोड को स्कैन करता है, ठीक है। तो ये सारे हाथ से स्कैन करने वाले एक डिवाइस होते हैं, मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस होते हैं, जो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न को स्कैन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट इज अ स्मॉल मैनुअल स्कैनिंग डिवाइस विच इज हेल्ड बाई हैंड एंड इज रोल ओवर फ्लैट इमेज, ठीक है। कोई भी फ्लैट इमेज, जैसे बारकोड होता है, ठीक है, बारकोड एक फ्लैट इमेज है, ठीक है, एक छोटा सा होता है, ऐसे लाइन लाइन्स रहती है, वो उसको स्कैन करता है, ठीक है। द ड्रॉबैक इज यूजिंग दिस डिवाइस, द हैंड हेल्ड शुड बी स्टडी वाइल स्कैनिंग, ठीक है। बस इसमें ये है कि हम लोग को एकदम सीधे रखना है, थोड़ा भी टेढ़ा वेढ़ा करेंगे तो स्कैन नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग शॉपिंग स्टोर्स में देखते हैं, बहुत सारी जगह यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली बारकोड स्कैनर के रूप में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड है शीट पैड स्कैनर, ठीक है। अब शीट पैड स्कैनर क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे स्कैनर देखते हैं जिसमें बहुत सारे हम लोग शीट एक साथ डाल देते हैं, ठीक है। वो एक एक शीट को क्या करता है, मतलब खींचते जाता है और उसके अंदर एक रोलर स्कैनर होता है, ठीक है, रोल करते जाता है वो रोलर से उसको वो स्कैन कर करके रखते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, इन दिस स्कैनर द डॉक्यूमेंट इज इंसर्टेड इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्कैनर। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कैनर इंक्लूड्स द शीट फीडर, स्कैनिंग मॉड्यूल एंड कैलिब्रेशन शीट, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें इसके अंदर लगी होती है, एक होता है शीट फीडर, जो यहाँ पे शीट को डालते हैं, इसको बोलते हैं शीट फीडर। स्कैनिंग मॉड्यूल मतलब ये अंदर का एक स्कैनिंग मॉड्यूल होता है, ठीक है। कैलिब्रेशन शीट मतलब ये नीचे वाला पोर्शन। द लाइट डज नॉट मूव इन दिस स्कैनर, ठीक है। जैसे कि हम लोग फ्लैट बेड में देखें, फोटो कॉपी मशीन में देखते हैं या फिर हम लोग स्कैनिंग मशीन में देखते हैं, एक लाइट ऐसे मूव करती है, लाइट मतलब नीचे से ऐसे जाती है और वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, ठीक है।
यहाँ पे लाइट जो है उसको रोक के रखते हैं और शीट को मूव करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ, लाइट को मूव करने की जरूरत नहीं है, शीट को मूव करो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। वहां पे लाइट मूव हो रहा था, यहाँ पे शीट मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है कि बहुत सारे शीट को एक साथ यहाँ पे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक साथ हम लोग रख देते हैं, कम से कम 50 शीट 100 शीट ऐसा रख देते हैं, वो एक एक करके स्कैन कर करके रखते जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग को इस टाइप का जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को एक ही बार में स्कैन करना है, उसको हम लोग नहीं चाहते कि एक 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 करके करें, हम लोग एक साथ करना चाहते हैं उसको, ठीक है। लाइक कोई बुक है, ठीक है, तो बुक को अगर हम लोग अलग अलग उसका पेज निकाल लें तो वो पूरे के पूरे बुक को स्कैन कर लेगा, ठीक है। जैसे मैगजीन होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक साथ करने रहते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ड्रम स्कैनर, ठीक है। ड्रम स्कैनर क्या होगा, ये भी एक स्कैनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ इमेज को स्कैन करता है, ठीक है। मतलब कि जो इमेज होता है, जैसे फोटो होगी, ठीक है, फोटो को क्या करते हैं हम लोग कि फोटो को उसमें डाले, वो उसको रोल करेगा और उसमें का कोई एक इमेज जनरली फाइल में बना देता है, ठीक है। आप देखो, ड्रम स्कैनर हैज ए फोटो मल्टीप्लायर टूल PMT, इसको बोलते हैं, टू स्कैन इमेजेस, ठीक है। इट डज नॉट हैव ए चार्ज कपल डिवाइस लाइक फ्लैटबैक स्कैनर, द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। द इमेज इज प्लेस्ड ऑन ए ग्लास ट्यूब एंड द लाइट मूव्स अक्रॉस द इमेज विच प्रोड्यूसेस रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज, ठीक है। इसके अंदर जब भी एक इमेज डाला जाता है तो यहाँ पे एक ट्यूब दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर लाइट होती है, ठीक है। ये लाइट क्या करती है, फोटो पे टकराती है और वहां से रिफ्लेक्शन पे जो लाइट आती है वापस से, उसको वो स्कैन करता है, ठीक है। तो ये अलग टाइप का यहाँ पे हम लोग स्कैनर देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्रम स्कैनर, जो एक लाइट के रिफ्लेक्शन से स्कैन करता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैटबेड जो स्कैनर होते हैं वैसा टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो भी एक रिफ्लेक्शन को स्कैन करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को करता है, ये टेक्स्ट को नहीं कर पाता है, ठीक है। जनरली हम लोग को कोई इमेज, बड़े बड़े इमेज होते हैं, जैसे कि हम लोग पेंटर्स लोग जो देखते हैं, उन लोग बहुत बड़े से पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, पूरे दीवार में पेंटिंग लगा हुआ है, तो वैसे टाइप का अगर उसको स्कैन करना होता है, लेकिन वो हाई क्वालिटी में हम लोगों को करना है, ठीक है। मतलब ऐसे नॉर्मल स्कैन नहीं करना, उसकी क्वालिटी, उसकी रिजोल्यूशन बहुत हाई चाहिए, वहाँ पे ड्रम स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग को वॉल स्कैनिंग करना है, तो किसी पेंटिंग को स्कैनिंग करना है, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग इसका ड्रम स्कैनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटो स्कैनर, ठीक है। फोटो स्कैनर हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का स्कैनर होता है, फ्लैट बेड जैसा ही रहता है, जिसके अंदर हम लोग फोटो डालते हैं और फाइल बना के दे देते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ डिजाइन टू स्कैन फोटोग्राफ्स, इट हैज़ हाई रिजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बहुत पुराने पुराने पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, अगर हम लोग उसको स्कैन करते हैं बहुत अच्छे हाई रिजोल्यूशन में, वो स्कैन करता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसमें हम लोग के पास कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे हम लोग उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग को हटाना है वो हटा सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी एडिटिंग भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग स्कैनर्स देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जॉयस्टिक क्या होता है, जनरली ये गेमिंग पर्पस के लिए होता है, ठीक है। जॉयस्टिक अगर देखा जाए तो बहुत सारे जॉयस्टिक अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैं इंटरनेट पे दिखाऊं, ठीक है, इस टाइप के जो गेमिंग के लिए यूज किया जाता है जो रिमोट, उसी को बोला जाता है जॉयस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप के जॉयस्टिक हम लोग को देखने मिल जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक मूव करने के लिए होता है, अलग अलग टाइप का आता है,
ठीक है। आजकल जो पबजी वगैरह के लिए भी यूज होता है, तो वो ऐसा भी इसको भी जॉयस्टिक ही बोला जाता है, ठीक है। बहुत पुराने जमाने में इस टाइप का आता था, ठीक है। तो इस टाइप के जॉयस्टिक का यूज भी किया जाता है जहाँ पे हम लोग को गेम खेलना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो गेमिंग पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो एक लोकेशन को या फिर रिजोल्यूशन, मतलब जो स्क्रीन के किसी पॉइंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। जैसे माउस पॉइंट करता है वैसे ही जॉयस्टिक पॉइंट करता है। हम लोग माउस को भी यूज कर सकते हैं गेमिंग के लिए, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। ये जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक ए माउस, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्टिक विथ ए स्पेरिकल बेस, ठीक है। बेस रहेगा इसके नीचे। द बेस इज फिटेड इन अ सॉकेट दैट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द स्टिक, ठीक है। जो ये लीवर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे एक बेस होगा, मतलब तो एक सर्कल टाइप का स्पेरिकल बेस होगा, मतलब तो गोल सा एक बॉल टाइप का बेस होगा, ठीक है। जैसा वो हम लोग उसको मूव करते जाएंगे, उस मूवमेंट को वो डिटेक्ट करेगा और उससे वो सारा चीज प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो जनरली जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइट पेन, ठीक है। अब देखो लाइट पेन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं जनरली, जैसे कि हम लोग को कहीं पे भी किसी स्क्रीन पे पॉइंट करना, पहले हम लोग बहुत पहले जमाने में एक गेम खेलते थे, ठीक है। एक वीडियो गेम आता था, उसमें ऐसे बंदूक होती थी एक, ठीक है। उससे स्क्रीन पे पॉइंट करते थे और मारते थे, ठीक है। तो उससे वो चिड़िया मर जाती थी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे, वो एक प्रकार का लाइट पेन होता था। ये जनरली स्क्रीन टच नहीं करता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको स्क्रीन में टच करते हैं, ठीक है, तो वो टच स्क्रीन जैसा वर्क करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइट पेन। जैसे कि वो सैमसंग नोट आता है ना, जो टैब वगैरह में यूज करते हैं, या फिर एक पेन आता है छोटा सा जिसको हम लोग स्टाइलस बोलते हैं आज के जमाने में, ठीक है। तो स्टाइलस क्या होता है, एक प्रकार का पेन होता है, ठीक है। पेन वो स्क्रीन पे डिटेक्ट करता है। तो ये क्या होता था, ये स्क्रीन टच नहीं है, मतलब टच स्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पेन यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो क्या करता था, स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से उसको टच का सेंस करता था, ठीक है। तो लाइट पेन जनरली यूज किया जाता है किसी को भी, मतलब कंप्यूटर पे हम लोग टच का सेंस करने के लिए, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक एक फील होना चाहिए कि वो टच स्क्रीन है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, किसी को भी कुछ भी करना है, तो हम लोग यहाँ से लाइट पेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये एलसीडी स्क्रीन या फिर सीआरटी मॉनिटर पे ही काम करता था, एलईडी स्क्रीन पे काम नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए लाइट पेन इज कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए पेन। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन्स लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर दैट इनेबल्स द यूजर टू पॉइंट टू और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। तो लाइट पेन में क्या होता था, एक लाइट होती थी, ठीक है। वो लाइट जो होती थी वो ऑप्टिकल, जैसे कि माउस होता है, ठीक है, माउस जैसे ही वर्क करता है। वो माउस क्या करता है, मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। ये भी क्या करता है, मूवमेंट और क्लिक को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है या सिलेक्ट करना है, तो हम लोग इस लाइट पेन से भी कर सकते हैं। ये भी जस्ट लाइक माउस ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटलाइजर। अब देखो डिजिटलाइजर जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी आज के जमाने में जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ठीक है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग तो यहाँ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर में कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिखाने हैं, कोई डिजाइनिंग वाले एप्लीकेशन या फिर कुछ भी चीज़ हम लोग को बनाना है, ठीक है, तो हम लोग के पास इस टाइप का एक डिवाइस होता है, जैसे जस्ट लाइक टैब टैबलेट जैसा एक तो डिवाइस होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक पेन से हम लोग उसमें मूवमेंट करते, और वो कहाँ पे छपते जाता है, यहाँ पे स्क्रीन पे छपते जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक कुछ ड्राइंग करना है, कुछ लिखना है, कुछ मैथ्स बनाना है, ठीक है, या फिर हम लोग को स्क्रीन कुछ भी लिख के दिखाना है, तो ये डिवाइस से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिटाइजर, ठीक है। मतलब हम लोग उसमें जो भी चीज़ लिखेंगे,
वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखते जाएगा, मतलब उसको यहाँ से जो लिख रहा है इस पेन से वो डायरेक्ट वो स्क्रीन पे दिखा सकता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं कि वो स्क्रीन मतलब वो लिख रहा है किसी चीज़ में, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इस टाइप के डिवाइस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे भी हम लोग ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखते हैं। ठीक है, या फिर कोचिंग क्लासेस वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस होते हैं जहाँ पे जो लिख रहे हैं उसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो छोटी सी जगह पे लिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ इस डिजिटाइजर से किया जाता है। डिजिटाइजर भी एक डिवाइस होता है। ठीक है, इसको अगर मार्केट में लेने जाओगे तो आसानी से मिल जाएगा, 3 से 4 हज़ार रुपये का आता है, इसको ले सकते हैं हम लोग। इससे ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग को अगर लिखना है, ठीक है, जैसे नोट्स वगैरह बनाना है हम लोग को, तो नोट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, पेपर में लिखते हैं या कॉपी में लिखते हैं और उसको फोटो खींच लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को चाहते हैं, हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट उस पर लिखें, हम लोग पेपर में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग किस पे लिखेंगे, डिवाइस में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और ये डायरेक्ट यहाँ पे सेव होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिजिटाइजर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सबको पता है इस टाइप का माइक, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो होता है, एक माइक जो होता है वो दो तीन टाइप का माइक होता है। ठीक है, द माइक्रोफोन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू इनपुट द साउंड। साउंड को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। हम लोग मोबाइल फोन में माइक देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में माइक होता है, हेडफोन्स में माइक होता है। ठीक है, तो वो सारे माइक क्या करते हैं, साउंड को इनपुट लेते हैं, जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसको इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ये इनपुट के लिए हम लोग माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। तो एक दो टाइप के यहाँ पे माइक्रोफोन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला होता है डायनामिक माइक्रोफोन। ठीक है, तो डायनामिक माइक्रोफोन जो होता है वो नॉर्मल माइक्रोफोन ही होता है जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोफोन विद सिंपल डिज़ाइन, जो हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एक डायनामिक माइक्रोफोन होता है। ठीक है, इट हैज़ अ मैग्नेट विच इज़ रैप्ड बाई ए मेटल कॉइल एंड थिन शीट ऑन फ्रंट एंड ऑफ द मैगनेट। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो जाली जो है, इसके अंदर एक मैगनेट लगा होता है छोटा सा, वो मैगनेट के ऊपर एक कॉइल रखा जाता है। वो कॉइल क्या करता है, इस जाली से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस जाली पे जो भी वाइब्रेशन होता है उसको रिकॉर्ड करता है वो, तो इससे वो साउंड को इनपुट लेता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है इसमें। द शीट ट्रांसफर्स वाइब्रेशन फ्रॉम इस साउंड वेव टू द कॉइल, फ्रॉम द कॉइल टू इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, ये वाला जो वायर्स है, ठीक है, उससे क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशन को लेगा और वो कॉइल क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर देगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के। मतलब वायर जो लगा हुआ है, जो हमारे कंप्यूटर तक जाएगा, वो वायर या फिर उससे जो भी डिवाइस में लगा हुआ है वो वहां तक उसको पहुंचा देगा। ठीक है, तो डायनामिक माइक जो होता है, माइक्रोफोन जो होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला माइक्रोफोन होता है, जो हर जगह हम लोग देखते हैं, सबसे सस्ता, टिकाऊ, सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंडेंसर माइक्रोफोन। जो कंडेंसर माइक्रोफोन क्या होता है, इसमें दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक होता है ये, इसको बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, ये क्या करता है, साउंड को फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज डिजाइन फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड हैज ए वेरी सेंसिटिव फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, इट हैज ए फ्रंट प्लेट कॉल्ड डायफ्राम एंड बैक प्लेट पैरेलल टू द फ्रंट प्लेट। व्हेन साउंड हिट्स द डायफ्राम इट वाइब्रेट्स द डायफ्राम एंड ऑल्टर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हम लोग गाना वगैरह गाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वाइब्रेशन अलग टाइप की होती है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल माइक्रोफोन से अगर गाना रिकॉर्ड करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। अगर हम लोग कंडेंसर माइक्रोफोन से यूज़ करेंगे तो हम लोग का गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये जो रोड होता है, मतलब जो ये कंडेंसर होता है,
ये जो डायफ्राम यहाँ पे यूज किया जाता है ये वॉइस को फिल्टर करता है, मतलब जो बैकग्राउंड नॉइस है इसके पार जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। जब भी देखना सिंगर वगैरह जो होते हैं इसी को यूज किया जाता है हर जगह, ठीक है, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन होता है वो नॉर्मल माइक्रोफोन नहीं होता है, यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर। कंडेंसर से उस जो भी फ्रीक्वेंसी रहती है उसको उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। एक फ्लैट फ्रीक्वेंसी मिलती है हम लोग को, मतलब ऊपर नीचे वॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं मिलेगा, एकदम प्योर वॉइस जो बोलते हैं ना वो हम लोग को मिलेगी इससे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है जब हम लोग कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं या म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिबन, ठीक है। रिबन मतलब एक इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट इज नोन फॉर ए रियाबिलिटी, इट इज अ थिन रिबन मेड एल्यूमिनियम ड्यूरेलेबियम, ठीक है, नैनो फिल्म सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द साउंड वेव्स कॉज वाइब्रेशन इन द रिबन विच जनरेट्स अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये माइक्रोफोन कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, ये माइक्रोफोन जनरली रेडियो, ठीक है, या फिर जो हम लोग देखते हैं एक जैसे कोई अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं तो एक छोटा सा स्पीकर टाइप का यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे इसको यूज किया जाता है, जैसे कि आर्मी में, ठीक है, पुलिस वाले जब अनाउंस करते हैं कुछ चीज, ठीक है, जो पिक्चर वगैरह में अनाउंस करते हैं ना, जैसे हाथ में पकड़े रहते हैं उसमें बोलते हैं कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक है, ऐसा वैसा, तो वैसे ही उस कंडीशन में इस टाइप के माइक्रोफोन का यूज किया जाता है जो तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर दे, मतलब हम लोग बोले वो तुरंत जनरेट करें उस सिग्नल को और तुरंत वो स्पीकर तक भेज दे, मतलब कोई दूसरा डिवाइस उसको प्रोसेस करने के लिए नहीं लगता, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट इनपुट से लेके आउटपुट वोल्टेज तक इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिबन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR। देखो MICR क्या होता है, ठीक है, जनरली एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, हम लोग जब चेक देखते हैं, ठीक है, अगर मैं एक चेक दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चेक देख रहे हैं, तो ये जो डिवाइस, ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे 001 दिख रहा है और यहाँ पे कुछ हम लोग को नंबर्स दिख रहे हैं, ये होता है चेक नंबर, ठीक है। तो ये चेक नंबर जो होता है वो इसी फॉन्ट से लिखा जाता है, मतलब हर जगह देखोगे तो सेम फॉन्ट इसका नजर आएगा, मतलब इसकी जो लिखाई है एकदम सेम, ये होती है, ठीक है, ये ऐसा कैरेक्टर होता है जो वो MICR ही रीड कर पाता है, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग MICR जो देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का एक डिवाइस हम लोग देख रहे हैं, तो ये डिवाइस से हम लोग वो चेक नंबर को रीड करते हैं, ठीक है, मतलब एक वो जो लिखाई होती है वो एक मैग्नेटिक इंक होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, MICR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू रीड द टेक्स्ट प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ये जो नंबर है ये नॉर्मल इंक नहीं है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है नॉर्मल इंक नहीं है, ये मैग्नेटिक इंक है, ठीक है। इसको अगर किसी दूसरे चीज से स्कैन करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये कैरेक्टर है वो मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किया गया, ठीक है, इसी मैग्नेटिक इंक को वो रीड करता है, कौन रीड करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर,
अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो मैग्नेटिक इंक जो होता है वो कभी भी मिटेगा नहीं, कभी भी खराब नहीं होगा, इसीलिए चेक में उसको यूज किया जाता है। और चेक को रीड करने के लिए इस टाइप का डिवाइस का यूज करते हैं, जनरली बैंक वगैरह में यूज किया जाता है इसको। अगर बैंक में जाओगे तो आप लोग देख भी सकते हो इस टाइप का डिवाइस को, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये एक प्रकार का स्कैनर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, OCR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस टू कन्वर्ट द स्कैंड इमेजेस ऑफ हैंड रिटन टाइप्ड और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, ठीक है। जैसे हम लोग खुद की हैंडराइटिंग में लिखे हैं कॉपी में, ठीक है, या फिर कोई पेपर में हम लोग लिखे हैं, अगर हम लोग उसको स्कैन करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको पहचानेगा कि हम लोग क्या लिखे हैं, ठीक है, मतलब उसको डिजिटल टेक्स्ट में चेंज करेगा, ठीक है। जो हम लोग हैंड रिटन में खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हैं उसको वापस से किस में चेंज करेगा, डिजिटल टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे ये टाइप्ड किया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये टाइप किया हुआ है, इसी टाइप का अगर मैं सेम यही सेंटेंस को लिखता हूँ पेपर में और इस डिवाइस से उसको स्कैन करता हूँ, तो इस टाइप का एक टेक्स्ट जनरेट करेगा वो। तो ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल कैमरा, ये तो सब लोग जानते हैं, आजकल सबके मोबाइल में कैमरा होता है, ठीक है। डिजी कैम होता है, DSLR होता है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा अगर हम लोग देखें तो इस टाइप का हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। इस टाइप का डिजिटल कैमरा हम लोग को मिलता है, सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि आज के ज़माने में इस टाइप के कैमरा को नहीं जानता, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक डिजिटल कैमरा है जिससे हम लोग फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं और डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ठीक है। तो सभी लोग देखे ही होंगे इस टाइप का कैमरा। नेक्स्ट आता है पैडल, ठीक है। अब पैडल क्या चीज़ होता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इस टाइप का छोटा सा पैडल होता है, ठीक है। ये जनरली गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, जब भी हम लोग गेमिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे साउंड हम लोग देते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई चलता है उसका साउंड देते हैं, ठीक है। उस टाइप पे जो भी हम लोग को साउंड अगर देना रहता है या फिर हम लोग को कोई चीज़ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस पैडल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली एक प्रकार का एक ट्रैक बॉल होता है, ठीक है, जिससे ये हम लोग को इनपुट देता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इट इज अ सिंपल इनपुट डिवाइस दैट इज वाइडली यूज्ड इन गेम्स। इट इज अ व्हील दैट इज हेल्ड बाय हैंड एंड लुक लाइक ए वॉल्यूम नॉब ऑन ए स्टीरियो, ठीक है। डेट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है। पैडल मूव्स और कंट्रोल द कर्सर और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द गेम इन अ बैक फोर्थ मोशन, मतलब जो भी हम लोग जैसे कोई गेम प्ले कर रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसको घुमाने से, जैसे वॉल्यूम हम लोग कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, वैसे हम लोग घुमाते हैं उसको। ये जो दिख रहा है ये गोल सा ढक्कन जैसा, ठीक है, तो इसको हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो पीछे आएगा, राइट साइड घुमाएंगे तो आगे जाएगा, इस टाइप को हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, इस टाइप से उसमें हम लोग मूव करते हैं। तो लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो लेफ्ट साइड कार मूव होगी, ठीक है, राइट साइड घुमाएंगे तो राइट साइड कार मूव होगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टेयरिंग व्हील, ठीक है। स्टेयरिंग व्हील भी वैसे ही होता है जो वीडियो गेम्स में यूज़ किया जाता है,
ठीक है, इस टाइप का हम लोग स्टेयरिंग व्हील देखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग कार रेसिंग वगैरह खेलते हैं तो हम लोग इस टाइप का एक कंसोल लगाते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर, तो जिससे हम लोग कार रेसिंग, इसमें सारी चीज होती है, गियर होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, ठीक है, हॉर्न वगैरह सारी चीजें इसमें रहती है। तो इसके लिए भी अलग टाइप से हम लोग को मिलता है। जनरली हम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं गेमिंग जोन में, तो वहाँ पे हम लोग को इस टाइप का देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से गेम बनते हैं। ठीक है, और इसको खेलने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कभी मॉल वगैरह जाओ तो खेल के देखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ठीक है, अब गेस्चर्स वगैरह क्या होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं जैसे रोबोट वगैरह में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, जैसे कि इस टाइप से हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डिवाइस लगाए हैं, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इस टाइप पे एक डिवाइस लगाया है। ठीक है, ये सब वायर से कनेक्टेड है, तो जैसे ये हाथ मूव करते जाएगा तो ये कंप्यूटर पे एक सिग्नल भेजेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे ना कि रावण मूवी आई थी, उसमें वो क्या करता है, ड्रेस पहनता है, एक तो पूरा ड्रेस रहता है उसका, और कूदते फांदते रहते हैं, इधर उधर हाथ मूव करता है, पैर को हिलाएगा, सारी चीज, तो वो सारा चीज वो गेम में चलते जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे गेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज करते हैं, गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस का यूज किया जाता है, जो कोई भी ह्यूमन गेस्चर को, मतलब जो हम लोग हाथ पर हिला रहे हैं, इधर उधर मुंडी से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आजकल गिम्बल आता है जो कैमरे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कैमरे को भी किसी इंसान के आंखों से सिंक्रोनाइज किया जाता है। ठीक है, तो वो बॉडी के अपने जो फेस होता है, ठीक है, उसके सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और वहाँ पे एक तो डिवाइस लगाते हैं। ठीक है, जैसे हेडफोन होता है वैसे एक डिवाइस होता है, उसको हम लोग कान पे लगा लेते हैं और जहाँ जहाँ उसको मूव करेंगे वैसा ही वो कैमरा मूव करते रहता है। ठीक है, जनरली ये सब सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई बॉडी गार्ड वगैरह, ठीक है, तो उसको ये दे दिया जाता है, उन लोग अपने हिसाब से उस कैमरा को मूव करते रहते हैं कि जहाँ हम देखें वहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये कि गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस जो होता है वो एक प्रकार का ह्यूमन गेस्चर को रिकॉर्ड करता है और वो किसी डिवाइस को या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाइट गन। लाइट गन भी एक वीडियो गेम में यूज किया जाने वाला एक डिवाइस होता है। ठीक है, इस प्रकार का एक लाइट गन होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ठीक है, एक आदमी है, वो एक गन टाइप का हाथ में रखा हुआ है और यहाँ पे एक वीडियो गेम चल रहा है उसके सिस्टम पे और यहाँ से वायर गया हुआ है, कनेक्टेड है इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे गोली मार सकता है, वो इससे पॉइंट करके मार रहा है। ठीक है, तो लाइट गन क्या होगा कि ये स्क्रीन रिजोल्यूशन को सेट करता है और किसी वीडियो गेम को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है टच पैड। ठीक है, टच पैड हम लोग देखें जो माउस में लगे रहता है या फिर जो हमारे सिस्टम में लगे रहता है माउस को मूव करने के लिए। ठीक है, या लैपटॉप्स वगैरह में लगे रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टच पैड। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिमोट। रिमोट जानते ही हैं क्या होता है रिमोट, जो हम लोग टीवी में देखते हैं। ठीक है, या फिर डीटीएच में देखते हैं, आजकल एसी में भी आ गया है, सारी चीज में आ गया है। ठीक है, प्रोजेक्टर में, सभी चीज में हम लोग रिमोट देखते हैं आजकल। ठीक है, सब चीज आजकल रिमोट से चलने लग गया, तो ये रिमोट भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो सभी यूज करते हैं, सबके मोबाइल में टच स्क्रीन आ गया आजकल। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वीआर।
ठीक है। वीआर मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वीआर स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं वीआर डिवाइसेस, तो तुम लोग जान पाओगे कि वीआर होता क्या है, ठीक है। देखो इस टाइप का डिवाइस होता है जो उसको लगाएगा और वो सारा चीज वर्चुअली उसको समझ सकता है, कि उसको ऐसा लगे कि सब चीज हमारे आसपास हो रहा है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी गेमिंग्स खेले जाती है, बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का हाथ में कुछ एक डिवाइस पकड़ लेते हैं और यहाँ से हम लोग को वर्चुअल रियलिटी, जैसे जैसे हम लोग को लगता है थिएटर में बैठे हुए और सारी चीज हमारे आसपास में चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी से यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज एन आर्टिफिशियल और वर्चुअल एनवायरनमेंट विच इज जनरेटेड बाई द कंप्यूटर्स, ठीक है। ए पर्सन कैन इंटरेक्ट विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यूजिंग सम इनपुट डिवाइसेस सच एज हेडसेट, ग्लोव्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो हम लोग को लग रहा है कि हमारे आसपास है, हम लोग उसको टच एंड फील कर सकते हैं वहाँ पे, कि हम लोग को लगेगा कि हाँ सही में रियल में है करके वो, ठीक है। तो इस टाइप का भी हम लोग यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेबकैम। वेबकैम सब लोग जानते हैं कि हम लोग के में फ्रंट कैमरा होता है, लैपटॉप में कैमरेज होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में हम लोग के कैमरा लगाते हैं अलग से, ठीक है। अगर कोई अभी भी नहीं देखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, इस टाइप का कैमरा बहुत सारी जगह देखे होंगे आप लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं वेबकैम, ठीक है। ये कैमरा होता है, इससे हम लोग फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कर सकते हैं, सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होते हैं, जो जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन करना है, फेस स्कैन करना है, ठीक है। जो हम लोग के मोबाइल पे लगे रहता है, ठीक है। हम लोग जाते हैं शॉप में, इस टाइप का एक डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं फिंगरप्रिंट से, ठीक है। फेस स्कैन करते हैं, देखो फेस स्कैनर है ये, ठीक है। फेस को स्कैन करता है, फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बायोमेट्रिक डिवाइस में आते हैं, ठीक है। इसमें आता है फेस स्कैनर, हैंड स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है, और रेटिना और आईज आयरिस स्कैनर, ठीक है। सभी का आधार कार्ड बना हुआ है तो ये प्रोसेस तो किए ही होंगे सब ने। रेटिना और आईज आयरिस को स्कैन करते हैं, ठीक है। और हैंड स्कैन भी हम लोग किए हैं, फिंगर स्कैन भी हम लोग किए हैं, सभी लोग किए होंगे, ठीक है। और एक आता है वॉइस स्कैनर, वॉइस को भी स्कैन करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इनपुट डिवाइसेस हम लोग देखें, ठीक है। जितने इनपुट डिवाइसेस होते हैं मैं लगभग लगभग 100% सभी को कवर कर दिया हूँ, ठीक है। आज हम लोग करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आज जानेंगे क्या होता है सीपीयू और इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी होती है, कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं, इसमें सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मतलब एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है, जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, उसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चिप होती है, आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार का वो दिखता है, ठीक है। इट कैरीज आउट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, इट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसिंग जो करता है वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे करता है कभी भी, ठीक है। जो हार्डवेयर और एक्टिव सॉफ्टवेयर जो होगा, एक्टिव मतलब जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से अगर कोई हार्डवेयर को रन करना है या फिर कोई दूसरे तरीके का आउटपुट हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की होती है, क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू प्रोसेसर के अंदर में ही होता है, ठीक है। इट स्टोर्स ऑल इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सीपीयू ऑल्सो हेल्प द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि इस सीपीयू में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स पहले से लोड होते हैं,
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के या फिर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम जो उस सॉफ्टवेयर को रन करता है। देखो जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमारे पास उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे फाइल्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीपीयू के पास जाने वाला रहता है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे रहता है एक्चुअल में, ठीक है। ये हमारा माइक कंप्यूटर है, ठीक है। इस सी ड्राइव में अगर देखेंगे हम लोग, इस सी ड्राइव में हम लोग देखेंगे तो ये प्रोग्राम फाइल्स हम लोग को दिखता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। दो टाइप की फाइल्स होती है, 64 बिट अगर रहेगा तो प्रोग्राम फाइल्स लिखे रहेगा, 32 बिट होगा तो x86 यहाँ पे लिखे रहेगा, ठीक है। ये दोनों तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो टाइप की फाइल्स होती है, और यहाँ पे यहाँ जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं उससे रिलेटेड सारी फाइल्स होती है, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन फाइल्स हैं। अब सीपीयू से रिलेटेड फाइल्स जो होती है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग विंडोज, ये विंडोज नाम का एक फोल्डर, ठीक है, ये विंडोज नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर सीपीयू से रिलेटेड फाइल्स रहती है। इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। ये पूरी सिस्टम रिलेटेड फाइल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्री एडिट, इस टाइप से बहुत सारी फाइल्स हम लोग को देखने मिलती है। इसके अंदर एक और रहता है सिस्टम 32, ठीक है। ये सिस्टम 32 नाम का एक हम लोग को फोल्डर देखने मिलता है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स होती है। यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी फाइल्स हम लोग को देखने मिलती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते थे बहुत सारे DLL फाइल है, ठीक है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स यहाँ पे हम लोग को मिलती है। यही सीपीयू के अंदर लोड की जाती है, यही एक लाइब्रेरी रहती है जिस जो सीपीयू के अंदर लोड की जाती है। मतलब जब भी कोई एप्लीकेशन रन होता है तो ये वाली फाइल्स रन होती है, ठीक है, और यही फाइल्स जो है उस सीपीयू को रन करती है और वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जो भी इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करेगा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उन लोगों के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, मीडिएटर जैसा इनपुट लेगा सीपीयू इनपुट डिवाइस से और कुछ प्रोसेस करेगा खुद में, और आउटपुट डिवाइस की तरफ वो जो भी उसका आउटपुट होगा वो भेज देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सीपीयू वर्क करता है, ठीक है। अब देखो सीपीयू इज इंस्टॉल्ड और इंसर्टेड इनटू सीपीयू सॉकेट लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। सीपीयू जो होता है मदरबोर्ड के सॉकेट पे लगता है, ठीक है। अगर मैं मदरबोर्ड का सॉकेट दिखाऊं आप लोग को, ठीक है, ये मदरबोर्ड है, ये ही कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखोगे कि ये बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला बड़ा सा पार्ट, ठीक है। ये पार्ट जो है ये एक्चुअल में सॉकेट होता है, इसके अंदर ही सीपीयू लगता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पिंस होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे यहाँ पे पिंस हम लोग को देखने मिलते हैं, ठीक है। इसी में ही यहाँ पे सीपीयू को लगाया जाता है, ठीक है। हम लोग को अलग अलग टाइप का यहाँ मदरबोर्ड देखने मिलता है, तो अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग सीपीयू लगता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर रैम लगता है, ठीक है। यहाँ पे सॉकेट्स अलग से दिए रहते हैं, 4 सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है और 4 रैम इसमें लग सकता है। और ये जो होता है ये ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए होता है, और ये PCI पोर्ट रहता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं इसमें, तो यहीं पे सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं जितने भी कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट है ये सीपीयू के लिए, इसी के बारे में हम लोग अभी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये रहा मदरबोर्ड, इसी सॉकेट पे ही सीपीयू को लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे सीपीयू किस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्दर मोर इट इज प्रोवाइडेड विथ ए हीट सिंक टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट हीट टू कीप द सीपीयू कूल एंड फंक्शनिंग स्मूथली। इसके ऊपर एक क्रीम टाइप का पेस्ट लगाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हीट सिंक। जो सीपीयू जब प्रोसेस होता है तो गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो वो पेस्ट से वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, वो पूरे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंप्यूटर में फिट किया जाता है और वो उससे काम लिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, थर्ड होता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक डायग्राम है। इसके अंदर दो एक साथ लगे होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या मतलब है और कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब है, ठीक है। और ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं रैम से, और इसके पास एक और खुद की मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी जो होती है बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। इट इज सर्कुलेटरी इन द कंट्रोल यूनिट विच मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑलरेडी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ये जो है ये क्या करता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे हुए हैं या फिर कोई दूसरे भी डिवाइस लगा हुआ है, मेमोरी यूनिट हो गया या कोई केबल्स हो गया, सिस्टम बस हो गया, ठीक है, इस टाइप से जितने कंपोनेंट्स कनेक्ट किए गए हैं हमारे कंप्यूटर में, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कब कब देना है कब कब नहीं देना है, ये सारा चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा, ठीक है। इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड देन डीकोड्स एंड एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेगा, जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सिस्टम एप्लीकेशन जो यूज़ हो रहा है बाय डिफॉल्ट, जो विंडोज़ जो चल रहा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ यूज़ करते रहता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट को यूज़ करके जितने भी सिग्नल वगैरह देगा, या कीबोर्ड को सिग्नल देना है, माउस को सिग्नल देना है, या फिर मॉनिटर को सिग्नल देना है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। द कंट्रोल यूनिट्स मेन टास्क इज टू मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर, ठीक है। अब मेन काम क्या है कंट्रोल यूनिट का, कि जितने भी इंफॉर्मेशन फ्लो होंगे, ठीक है, इस सीपीयू से और सीपीयू में, दोनों में जितने भी प्रोसेसिंग होंगे, जितने भी डेटा स्टोर हो रहे हैं या फिर वहाँ से कोई प्रोसेसिंग हो रहा है, सारे को रेगुलेट करना है, मतलब सारे को हैंडल कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है। अगर इसके अंदर कंट्रोल यूनिट नहीं होगा तो सीपीयू कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई सुपरवाइज़र चाहिए उस सीपीयू को भी हैंडल करने, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चलते रहते हैं। हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं, हम लोग गाने भी सुन सकते हैं, हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, सारे चीज़ हम लोग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग यहाँ पे हम लोग को मिलता है, तो उससे कंट्रोल यूनिट को बहुत लोड रहता है और सारे चीज़ें रेगुलेट वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ठीक है। इट इज़ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी कैलकुलेशंस होंगे अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, या फिर कोई दूसरे कैलकुलेशंस, परसेंटेज निकालना है, ठीक है, या फिर कोई फार्मूला लगाना है, या फिर कुछ लॉजिक लगा हुआ है उसके बीच में, ठीक है, इस टाइप के कुछ कुछ फंक्शंस रन होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। आप देखो अरिथमेटिक फंक्शंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजंस। लॉजिकल फंक्शन मेनली इंक्लूड सिलेक्टिंग, कंपेयरिंग, मर्जिंग डेटा, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस यहाँ पे यूज होते हैं, जिसके थ्रू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट काम करता है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन चलाते रहते हैं, किसी में कुछ ऐड होता है, किसी में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, किसी में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट और रजिस्टर्स, ठीक है।
इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, एक टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, यहाँ पे देखो इट टेम्प्रेरी स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर जब रन करते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं वो रैम को यूज़ करके अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर चलता है उसको मेमोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके पास फाइल्स रहती है, फाइल्स को ही रन करता है। जो हम लोग ने यहाँ पे फाइल्स देखा, ये सब फाइल्स है, यही फाइल्स रन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइल्स को रन करने के लिए मेमोरी चाहिए, जब उसको रखने के लिए मेमोरी चाहिए होता है तो उसको रन करने के लिए मेमोरी चाहिए होगा, तो मेमोरी रन करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो मैंने दिखाया यहाँ पे ये जो स्लॉट था, ये जो स्लॉट हम लोग देखे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे रैम लगता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे रैम होते हैं, जैसे कि 2 GB रैम, 3 GB रैम, ठीक है, 8 GB रैम, 16 GB रैम, इस टाइप से हम लोग रैम देखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी एग्जीक्यूशंस होते हैं सारे चीज उसी में होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे होते हैं जो सीपीयू के अंदर में लगे होते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर के अंदर भी बहुत छोटे छोटे स्टोरेज होते हैं, मतलब 1 बिट का स्टोरेज, 2 बिट का स्टोरेज, इस टाइप से छोटे छोटे स्टोरेज जो एक एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते जाते हैं और एग्जीक्यूशन के बाद उसको खाली करते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 चीज़ें रहती है, कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी होता है। ठीक है, आजकल के न्यू जनरेशन के CPU अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर एक छोटा सा मेमोरी पहले से होता है जिसको हम लोग कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? एक और बार ऊपर से एक्सप्लेन करो तो। कहां से? स्टार्टिंग से कैसे हो गया ये? क्या हुआ, क्या डाउट क्या है? कहां से नहीं समझ में आया? कौन बोल रहा था अभी? किरण? कंट्रोल यूनिट वाला, कंट्रोल यूनिट। अच्छा ठीक, देखो कंट्रोल यूनिट, देखो इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब देखो कंट्रोल यूनिट जो होता है, यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ, इट इज सर्कुलेटरी इन द कंट्रोल यूनिट विच मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल to construct the computer system for executing already stored instruction। ठीक है, अब देखो computer component जो होते हैं उसमें बहुत सारे electronic device होते हैं। ठीक है, उसमें hard disk होता है, उसमें RAM होता है, उसमें CPU होता है, उसमें mouse होता है, keyboard होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे component उसमें लगे होते हैं। ठीक है, जो मैंने diagram दिखाया ये वाला, इसके अंदर सारे component connect होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट इसमें कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब मेन हार्ट यही होता है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को पूरा का पूरा मैनेज करने के लिए, मतलब हैंडल करने के लिए कब किस पार्ट को सिग्नल देना है। अब देखो जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल होगा, मतलब जो भी है जिसमें करंट जाएगा तभी वो ऑन हो पाएगा। ठीक है, तो करंट कब कब किस किस पार्ट को देना है वो सारा चीज़ डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कब कौन सा पार्ट फंक्शन करेगा, कब कौन सा पार्ट फंक्शन नहीं करेगा, कब किस डिवाइस में क्या एग्जीक्यूट होगा, किस डिवाइस में क्या डिस्प्ले करना है। ठीक है, माउस कब यूज़ करना है, कीबोर्ड कब यूज़ करना है, सारी चीज़ कंट्रोल यूनिट तय करेगा। ठीक है,
समझ में आया अभी? ठीक है, तो चलो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सीपीयू क्लॉक स्पीड। ठीक है, सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या होता है? अब हर सीपीयू का कुछ ना कुछ एक स्पीड होगा, क्योंकि इतने मैक्सिमम स्पीड में वो काम कर सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग अगर देखते हैं कि 2 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, 4 गीगाहर्ट्ज़, 3.1 गीगाहर्ट्ज़, इस प्रकार से यहाँ पे क्लॉक स्पीड दी रहती है, मतलब पर सेकंड पे कितने इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, द क्लॉक स्पीड ऑफ ए सीपीयू और ए प्रोसेसर रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस इन ए सेकंड। ठीक है, कितने इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन को काउंट किया जाता है, कितना एक सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग सीपीयू के अलग अलग क्लॉक स्पीड रहते हैं। जैसे नॉर्मल सीपीयू की हम लोग बात करें सिंगल कोर की, तो 1.2 रहता है। ठीक है, अगर हम लोग डुअल कोर की बात करें उसमें 2.0 रहता है। ठीक है, उसमें क्वाड कोर की बात करो तो 4.0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से उसका क्लॉक स्पीड डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर 4.0 गीगाहर्ट्ज़ है, मींस क्या होगा, इट कैन प्रोसेस 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन इन ए सेकेंड। ठीक है, 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर इतने फास्ट हो गए हैं आजकल कि क्लॉक स्पीड उसको बढ़ाया जा रहा है और उसमें कोर्स ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, कितने टाइप के सीपीयू होते हैं। ठीक है, जितने भी सीपीयू वगैरह होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, वो दो कंपनी बनाती है जनरली। ठीक है, एक होता है इंटेल, दूसरा है एएमडी। ठीक है, इंटेल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, 90% लोग इंटेल के प्रोसेसर यूज़ करते हैं इस दुनिया में, बाकी 10% एएमडी प्रोसेसर यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटेल प्रोसेसर जो होता है जल्दी ख़राब नहीं होता है कभी भी, इसकी 10 साल की गारंटी होती है, 10 साल तक कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, एएमडी का कोई गारंटी नहीं होता, चाइना का प्रोडक्ट है। ठीक है, और सबसे सस्ता आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लॉक स्पीड एएमडी ही देता है, मतलब जो सिस्टम फास्ट चलने, जैसे कभी सर्वर पे या गेमिंग कंप्यूटर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एएमडी का प्रोसेसर लगाया जाता है। ठीक है, तो एएमडी प्रोसेसर हम लोग को सस्ता भी मिलता है और स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आता है सिंगल कोर सीपीयू। ठीक है, अब सिंगल कोर सीपीयू यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि सिंगल कोर सीपीयू क्या होता है। ठीक है, सिंगल कोर इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर सीपीयू विच वॉज यूज इन 1970s। ठीक है, इट हैज़ ओनली वन कोर टू प्रोसेस डिफरेंट ऑपरेशन, इट कैन स्टार्ट ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम, द सीपीयू स्विचेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा स्ट्रीम्स व्हेन मोर देन वन प्रोग्राम्स रन्स। ठीक है, अब सिंगल कोर मतलब क्या, अब यहाँ कोर मतलब क्या होता है, कोर मीन्स होता है ये रजिस्टर फाइल और एएलयू। ठीक है, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, ठीक है, ये रजिस्टर फाइल और सीपीयू, सॉरी एएलयू। ठीक है, इसको बोलते हैं एक कोर। अब यहाँ रजिस्टर फाइल क्या है, रजिस्टर फाइल मतलब होगा रजिस्टर्स, रजिस्टर मतलब स्टोरेज होता है छोटे छोटे। ठीक है, और उसके साथ में एक सिंगल एएलयू होगा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग कोर। ठीक है, जो इंटेल सेलेरॉन पेंटियम, ठीक है, इस टाइप के हम लोग सीपीयू देखते हैं, ये सारे सिंगल कोर होते हैं। ठीक है, जो आजकल देखते हैं ना हम लोग कंप्यूटर बहुत सस्ता मिलता है। ठीक है, या फिर जो हम लोग घर के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वो सारे सिंगल कोर होते हैं या डुअल कोर होते हैं। ठीक है, तो सिंगल कोर जो होते हैं वो भी आज के ज़माने में चलते हैं, लेकिन बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन बहुत कम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जितना करना चाहिए उतना नहीं करता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर अगर हम लोग ओपन करके रखें तो दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो बहुत समय भी लगेगा, एग्जीक्यूट बराबर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मल्टी टास्किंग एज द परफॉर्मेंस विल बी रिड्यूस इफ मोर देन वन एप्लीकेशन रन्स।
ठीक है, जब हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं फोन्स में भी हम लोग एक से ज्यादा ऐप एक साथ चला लेते हैं, ठीक है। पहले के फोन्स में ऐसा नहीं होता था, पहले के फोन्स में क्या होता था, एक एप्लीकेशन चलाते हैं तो दूसरा एप्लीकेशन नहीं चलता है, ठीक है। या फिर आजकल के छोटे वाले फोन्स में देखते हैं हम लोग जो कीपैड वाले आते हैं, तो उसमें एक एप्लीकेशन चलता है दूसरा एप्लीकेशन नहीं चलता है, ठीक है, एट ए टाइम एक ही चलता है। तो उस समय उस छोटे से कंप्यूटर पे या फिर छोटे से कोई भी डिवाइस में एक सिंगल कोर का सीपीयू लगाया जाता था, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज जो थे वो सिंगल कोर सीपीयू में होते थे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स में, अभी भी बहुत सारे फोन्स में सिंगल कोर सीपीयू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ, इट इज़ स्टिल यूज इन वेरियस डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, ठीक है। स्मार्टफोन में भी सिंगल कोर सीपीयू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा पूरा सिंगल कोर सीपीयू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डुअल कोर सीपीयू, ठीक है। डुअल कोर सीपीयू, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट डुअल कोर सीपीयू कंटेन्स टू कोर्स इन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा आईसी होता है। देखो प्रोसेसर कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। इसके अंदर दो, मतलब अभी सिंगल कोर था, ठीक है, अब यही सेम चिप के अंदर दो कोर लगा दिया गया तो बन गया डुअल कोर, ठीक है। ऑल्दो ईच कोर हैज इट्स ओन कंट्रोलर एंड कैशे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक कोर है, ठीक है, ये एक कोर है और ये दूसरा कोर है, ठीक है। ये दो कोर, इसके अंदर एक सीपीयू कोर होगा जो हम लोग यहाँ पे देखे, ये रहा रजिस्टर फाइल और एएलयू, ठीक है। इसके अंदर भी रजिस्टर फाइल और ये एएलयू होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक एडिशनल चीजें हम लोग को मिलती है डुअल कोर से, L1 कैश, ठीक है, ये L1 कैश हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। L1 कैश मतलब क्या होता है, एक कैशे मेमोरी होती है, ठीक है। ये मेमोरी बहुत छोटी मेमोरी होती है, जैसे कि 1 MB 2 MB की मेमोरी होती है, ठीक है। 1 या 2 MB की मेमोरी होगी जो इस इंस्ट्रक्शन को और फास्टली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब देखो मेमोरी होती है तीन टाइप की, ठीक है। सबसे पहली मेमोरी होती है कैश मेमोरी जो डायरेक्ट इस सीपीयू में लगी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ये जो मेमोरी है वो डायरेक्ट उस सीपीयू में ही फिट की जाती है। ये 1 MB या 2 MB की छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो मुश्किल से 100 KB 200 KB के अंदर में ही होता है, ठीक है। 1 MB मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी है उसमें भी, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर इतनी मेमोरी का काम नहीं पड़ता, इसीलिए L1 कैश L2 कैश, ठीक है, ये सारी चीज़ें छोटी बनाई जाती है। तो ये कैश मेमोरी इसके अंदर डुअल कोर सीपीयू से यूज़ की गई, ठीक है, जिससे इंस्ट्रक्शन फास्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब देखो बाकी दो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी की में अगर कोई इंस्ट्रक्शन या फिर कोई फाइल्स नहीं मिलती है तो वो खोजेगा रैम पे, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। अगर उस रैम पे भी नहीं मिलती है तो वो खोजेगा हार्ड डिस्क में, ठीक है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। इस प्रकार से एक मेमोरी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश मेमोरी जो सीपीयू में ही लगा होता है। आज के ज़माने के हर सीपीयू में देखोगे तो यहाँ पे कैश मेमोरी पहले से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो कोर्स होते हैं सीपीयू और उसके अंदर साथ में रहता है L1 कैश, ठीक है। और यहाँ पे एक बस इंटरफेस होता है इसका, बस मतलब जो वायर है, ठीक है, वायर को यहाँ बस बोलते हैं, ठीक है, जो उस इंस्ट्रक्शन को ट्रैवल करने के लिए रास्ता बताता है, ठीक है, कि कौन से कोर में उसको जाना है, ठीक है, ये वाले कोर में जाना है या ये वाले कोर में जाना है,
ठीक है, वो कौन बताएगा, बस इंटरफेस एंड L2 कैश बताएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यहाँ फ्रंट साइड से होगा आएगा और यहाँ पे बस इंटरफेस में यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा मेमोरी सबसे ज़्यादा खाली है। ठीक है, मतलब ये वाला कोर खाली होगा तो इसमें भेज देगा, अगर ये वाला कोर खाली होगा तो इसमें भेज देगा। ठीक है, दोनों कोर पैरेलली काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये है एक डुअल कोर प्रोसेसर का फंक्शन। अगर मैं डुअल कोर प्रोसेसर दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पेंटियम कोर टूडियो, ठीक है, इस टाइप के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ठीक है, इस टाइप के कोर्स होते हैं। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कोर। ठीक है, दो कोर है, ये एक कोर है, ये दूसरा कोर है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेंटियम का डुअल कोर या सिंगल कोर जो होता है वो मिलता है हम लोग को। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो जनरली पेंटियम डुअल कोर यहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है या फिर कोर टू ड्यूओ सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये वाला जो सीपीयू है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीपीयू है। ठीक है, मैं भी जो कंप्यूटर में अभी चला रहा हूँ वो यही वाला सीपीयू है। ठीक है, तो ये सीपीयू जो है बहुत सस्ता भी आता है और काफ़ी फास्ट चलता है ये सीपीयू। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे जगह इस सीपीयू का यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है E8500 डुअल कोर। ठीक है, इंटर कोर टू ड्यूओ प्रोसेसर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोसेसर है और सबसे फास्ट वाला हम लोग को मिल जाता है सस्ते में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वाड कोर सीपीयू। ठीक है, अब इसके अंदर चार कोर होंगे। दिस टाइप ऑफ सीपीयू कम्स विद टू डुअल कोर प्रोसेसर इन वन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है दिस टाइप ऑफ सीपीयू कम्स विद टू डुअल कोर प्रोसेसर। ठीक है, अब ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है, ऐसे ही सेम डुअल कोर प्रोसेसर दो लगे होंगे, मतलब टोटल कोर कितने हो गए, चार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि चार अलग अलग कोर लगाया गया है, यहाँ पे दो सीपीयू को एक साथ यूज़ किया गया है, दो डुअल कोर प्रोसेसर को एक साथ यूज़ किया गया है। ठीक है, तो बन गया क्वाड कोर प्रोसेसर। ठीक है, और सो ए क्वाड कोर प्रोसेसर इज ए चिप दैट कंटेन्स फोर इंडिपेंडेंट यूनिट्स कॉल्ड कोर्स। ठीक है, अब दो सीपीयू को यूज़ किया गया, मतलब उसके पास चार कोर हो गए। ठीक है, चार इंडिपेंडेंट कोर हो गए वहाँ पे। ठीक है, दिस कोर रीड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीपीयू, द कोर्स कैन रन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, देयर बाय इंक्रीजेस द ओवरऑल स्पीड फॉर प्रोग्राम्स दैट आर कंपेटिबल विथ पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे चारों कोर पैरेलली काम करेंगे, मतलब एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही बस एंड इंटरफेस होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चार कोर यहाँ पे लगे हुए हैं और कुछ इस टाइप का एक सीपीयू हम लोग को देखने मिलता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग को इस टाइप का ही दो मिल जाता है। ठीक है, सीपीयू कोर L1 कैश और यहाँ पे L2 कैश मिलता है और साथ में एक और सेम मिलता है यहाँ पे, उसके अंदर भी सेम टाइप के यहाँ पे कोर्स होंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेसर में हम लोग को दो L2 कैश देखने मिलेंगे और चार L1 कैश देखने मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कोर है, सीपीयू कोर एंड L1 कैश, ऐसे ही चार होंगे, मतलब चार L1 कैश हो गए और दो बस होंगे और दो L2 कैश होंगे। ठीक है, तो टोटल दो L2 कैश होंगे और चार L1 कैश मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, तो इस प्रकार का एक सीपीयू होता है। ठीक है, अभी नए जनरेशन में अगर देखोगे 8th जनरेशन, तो वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा क्वाड कोर सीपीयू और ऑक्टा कोर सीपीयू। ठीक है, या फिर डेका कोर सीपीयू भी हम लोग को आजकल देखने मिल जाता है। तो क्वाड कोर जो है वो भी यूज़ होता है या फिर ऑक्टा कोर भी है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आजकल प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेसर्स।